हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं परफेक्ट क्लिप रोल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंस वॉशर ड्रायर के बारे में, यानी सीमेंस की 100% ड्रायर वाली वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, ये है सीमेंस की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसकी कैपेसिटी है 8 kg। इसमें 8 kg का वॉशर है, 5 kg का 100% ड्रायर है। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन के अगर मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है WD15G460IN। इसकी नॉर्मल मार्केटिंग प्राइस की बात करें तो 55,900 का इसका मार्केट प्राइस है। अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर अलग अलग आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगा, यहाँ या फिर आपको जहाँ अच्छा डिस्काउंट मिले वहाँ से बाय कर सकते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूँगा, अमेज़ोन लिंक। अगर आपको बाय करना है बाय कर सकते हो, प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो। और दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन की RPM की बात करें, यानी रोटेशन पर मिनट की बात करें, तो 1500 RPM है। ये जो है IQ 500 सीरीज़ है, यानी इस मॉडल का जो सीरीज़ है IQ 500 है। ये काफ़ी रनिंग मॉडल है, काफ़ी टाइम से रनिंग मॉडल है और इसके रिव्यू भी अच्छे हैं और इस मशीन की प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इस वॉशिंग यानी सीमेंस के इस फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में जो मोटर यूज़ होता है IQ ड्राइव मोटर काफ़ी अच्छा है। ये ब्रशलेस मोटर होता है, यानी ब्रशलेस का मतलब ये होता है इस मोटर में कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कार्बन की जगह मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मशीन मदद से ये मोटर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, यानी इसमें नॉइसेबल वाइब्रेशन कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा होती है और ये मोटर स्मूथली वर्क करता है। और दोस्तों, सीमेंस की इस वॉशिंग मशीन की अगर मोटर की बात करें तो सीमेंस आपको 12 साल की वारंटी देता है IQ ड्राइव मोटर के ऊपर। और मशीन की पूरी टेक्निकल वारंटी की बात करें तो पूरे मशीन की आपको मिलती है 2 साल की पूरे मशीन की वारंटी मिलती है, यानी कुछ PCB पैनल टच पैनल वगैरह कुछ ख़राब होता है तो 2 साल तक कवर्ड है। और सीमेंस कंपनी आपको 10 ईयर तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट देती है, यानी 10 साल तक भी अगर आपकी मशीन में कुछ खराबी आती है तो उसका स्पेयर पार्ट ईजीली अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन चार्जेबल बेस पे। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन की अगर नॉइसेबल की बात करें, यानी ड्राइंग के टाइम पे इसका नॉइसेबल है 74 dB का इस नॉइसेबल है। और वॉशिंग के नॉइसेबल की बात करें तो 54 dB का इस नॉइसेबल है। इसके अलावा दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में काफ़ी अलग अलग सेंसर दिए हुए हैं, जैसे अगर हम इसके सेंसर की बात करें तो वाटर सेंसर दिया हुआ है, यानी आपका मैक्सिमम वाटर कंज्यूम सेविंग करता है, ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करती है मशीन। जितने भी आप लोड डालोगे, 1 कपड़ा 2 कपड़ा, उस लोड के अकॉर्डिंग उतना ही वाटर कंज्यूम करेगा। यानी सीमेंस और बॉस में ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि दोनों एक जॉइंट वेंचर ब्रांड है, एक ही जगह दोनों मैन्युफैक्चर होता है। और अगर आप सीमेंस खरीदो या बॉस खरीदो, इंस्टॉलेशन करने के लिए एक ही टेक्नीशियन आएगा, रिपेयर करने के लिए भी एक ही टेक्नीशियन आता है। इसलिए सीमेंस और बॉस दोनों ब्रांड में दोनों सेंसर ऑलमोस्ट सेम यूज़ होते हैं। इसमें जो आता है एक वाटर सेंसर आता है, यानी अगर आपने 2 कपड़ा डाला है तो 2 कपड़ों के हिसाब से ही वाटर कंज्यूम करेगा, उससे थोड़ा भी एक्स्ट्रा वाटर कंज्यूम नहीं करता है, यानी इसमें वाटर सेविंग आपकी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों, इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन ना हो, यानी किसी भी तरह का वाइब्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग सप्रेशर दिए हुए हैं अंदर की तरफ, यानी कैसा भी वाइब्रेशन होगा मशीन ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेती है, जिससे आपको इस मशीन में वाइब्रेशन लेवल देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे सेंसर दिए हुए हैं, जैसे कि लोड सेंसर, कपड़े कितने डाल रहे हो, वाटर फ्लो सेंसर, यानी आपका वाटर का फ्लो कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, टेम्परेचर सेंसर, अंदर वाटर का अंदर जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, कॉटन प्री वॉश करना है प्री वॉश कर सकते हो। इसमें जो पूरा पैनल यूज़ किया भाई दोस्तों, पूरा टच पैनल है, 100% टच पैनल है और वाटरप्रूफ के साथ में आ रहा है। टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो मैन्युअली, RPM कर सकते हो। आपको टाइमिंग डिले स्टार्ट करना है तो टाइम डिले स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसके अलावा इसमें। और दोस्तों, इसके प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम दिए गए हैं, यानी अगर आप लेफ्ट साइड में अगर ड्राइंग प्रोग्राम देखेंगे तो ड्राइंग प्रोग्राम दिए हुए हैं, इंसेंटिव ड्राइंग और जेंटल ड्राइंग, दोनों ओनली ड्राइंग के ऑप्शन है। अगर आपको ओनली ड्राइंग करना है तो ड्राइंग कर सकते हो। उसके बाद पल्फ क्लीनिंग, यानी पल्फ क्लीन करना है पल्फ क्लीन का, फिर डेलिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अगले प्रोग्राम की बात करें तो वूलन दिया हुआ है, वॉश एंड ड्राई 60 मिनट का ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा वॉश एंड ड्राई होगा आपका 1 घंटे के अंदर। सुपर 15 का मेट दिया हुआ है, क्विक वॉश का ऑप्शन नहीं, सुपर 15 ओनली स्पिन करना है, यानी अंदर का पानी या फिर ड्रेन करना है तो ड्रेन कर सकते हो। कॉटन है,
प्री वॉश का प्रोग्राम दिया हुआ है, सिंथेटिक का, मिक्स लोड मैक्सिमम हम देखेंगे तो मिक्स लोड ही यूज़ करते हैं, तो मिक्स लोड का अगले से प्रोग्राम दिया हुआ है, आउटडोर दिया हुआ है, स्मेल वगैरह जो रहेगी उसमें निकल जाएगी, शर्ट बिजनेस हाइजीन केयर अगर यूज़ करते हो तो कपड़े के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे तो रिमूव हो जाएंगे, तो जिससे जिसकी मदद से आपको एक हाइजीन वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। राइट साइड का जो ऑप्शन है उसमें ड्राइंग का ऑप्शन ऑप्शनल है, चाहिए तो आपको ड्राइंग कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा ये है इसका डिस्प्ले टेम्परेचर, यानी आपका जितना भी टाइमिंग टेम्परेचर यहाँ पे शो होता है यहीं से आप इसका टेम्परेचर अगर आपके हिसाब से कम ज़्यादा है करना है तो कर सकते हो, आरपीएम चेंज करना है आरपीएम चेंज कर सकते हो, अगर आपको टाइमिंग का लगाना है डिले स्टार्ट करना है डिले स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखते हो आप इसमें स्पीड परफेक्ट दिया है, यानी आपको फटाफट वॉश करना है तो स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन है, इको परफेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग करना है तो इको परफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिंस ज़्यादा करना है यानी रिंस आपको बढ़ानी है तो वो कर सकते हैं, ओनली ड्राइंग का ऑप्शन है, स्टार्ट का ऑप्शन है, ये जो पूरा डिस्प्ले पैनल देख रहे हो टच बटन दिए गए हैं यानी टच डिस्प्ले पैनल दिया है। इसके अलावा दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े जो 100% सूखे मिलेंगे वो है 5 kg, यानी 5 kg लोड ही आपका 100% ड्राई हो पाएगा। अगर आप तीन चार फैमिली मेम्बर के हिसाब से है डेली वॉश के होता है तो 5 kg सफिशेंट है, आपको ज़्यादा बड़े ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका डेली वॉश हो रहा है तो। और इसके अलावा अगर दोस्तों हम सीमेंस की आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है, सर्विस वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस का भी कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों वॉशर ड्रायर मशीन लेने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि आपको अलग से ड्रायर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम अलग अलग वॉशर लेते हैं फिर अलग ड्रायर लेते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग स्पेस देखना पड़ता है, बहुत जगह स्पेस का इशू भी होता है। अगर आप वॉशर ड्रायर लेते हो तो एक ही मशीन में आपके दोनों काम हो जाते हैं। पावर कंजप्शन की बात करें तो पावर कंजप्शन ऑलमोस्ट ज़्यादा पावर कंजप्शन आपका होता नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर आप एक सीमेंस वॉशर ड्रायर खरीदने की सोच रहे हो तो आप खरीद सकते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बाय कर लो। दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप जो भी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो वॉशिंग मशीन के हिसाब से ही डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, यानी वॉशिंग मशीन के लिए मैटिक वाला डिटर्जेंट ही यूज़ करो, नॉर्मल डिटर्जेंट मत यूज़ करो, उससे वॉशिंग मशीन पे फ़र्क पड़ता है और वॉशिंग क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, यानी मशीन के हिसाब से ही मशीन वाला डिटर्जेंट यूज़ करो और मैटिक वाला ही होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। और आप जब डिटर्जेंट डालते हो तो ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं डालना चाहिए, 1.5 चम्मच बहुत हो गया किसी एक फ्रंट लोडिंग के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अगर जरा सी भी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में रिलेटिव में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करो दोस्तों, एक लाइक का बटन दबा दो दोस्तों, कुछ ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वायरी है क्वेश्चन है या आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो कमेंट किया करो, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आपको कुछ क्या मतलब क्या डाउट है, उसे जितने आपके डाउट होंगे उतने ज़्यादा कमेंट करो, जितना हो सकता है मैं आपको उतना फास्ट रिप्लाई करूँगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर या पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर, चाहे वॉशिंग मशीन हो फ्रिज हो एसी हो, कुछ भी जानना है तो दोस्तों कमेंट करो, या वीडियो किसी चीज़ के ऊपर आपको रिव्यू चाहते हैं रिव्यू वाले वीडियो तो भी कमेंट करो, जितना जल्दी हो सके मैं उस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।